अब यहाँ पर जो भामह का काव्य लक्षण था कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, ठीक है, कि शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहे जाते हैं, ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि प्राचीन आचार्य जो हैं वो भी शब्द और अर्थ दोनों का सौंदर्य स्वीकार करते हैं, और भामह ने भी जो लक्षण दे दिया है शब्दार्थ और सहितो काव्यम, ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर कुंतक भी यहाँ पर कह रहे हैं कि तेन, ठीक है, इससे यह सिद्ध हुआ, यह स्थिर हुआ, ठीक है, तेन स्थितम, यह स्थिर हुआ, यह बात मानी जानी चाहिए कि शब्दार्थों कि शब्द और अर्थ ये दोनों, ठीक है, दोनों सम्मिलित, ये दोनों जब सम्मिलित होते हैं ये दोनों मिलकर ही काव्यम इति काव्य कहलाते हैं, ठीक है, शब्द और अर्थ दोनों सम्मिलित होकर काव्य होते हैं, यह बात स्थिर रही, यह बात पक्की रही, ठीक है। अब आगे कहते हैं एवं अवस्थापिते द्वयोः काव्यत्वे काचित् एकस्य मनांग मात्र न्यूनतायाम सत्याम काव्य व्यवहार है प्रवर्तते, ठीक है। अब यहाँ पर जो कहा गया शब्दार्थो सहितो काव्यम, या फिर जो कुंतक भी कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ मिलकर जो काव्य कहे जाते हैं, तो यहाँ पर सहितो पद क्यों लिखा, सहितो इति, ठीक है, सहितो पद क्यों रखा गया, तो कह रहे हैं काव्यत्व माने काव्य में काचित एकस्य किसी एक के, शब्द और अर्थ इन दोनों में से किसी एक की मनांग मात्र न्यूनतायाम, अगर थोड़ा सा भी जरा भी यदि न्यूनता हो शब्द और अर्थ में से, शब्द की न्यूनता हो और अर्थ का आधिक्य हो, या फिर अर्थ के सौंदर्य में अधिक न्यूनता हो और शब्द में आधिक्य हो, ठीक है, तो ऐसा होने पर काव्य व्यवहार वहाँ पर ना होने लग जाए। काव्य व्यवहार है प्रवर्तते, किसी एक के थोड़े से भी न्यून होने पर या किसी एक के थोड़े से भी अधिक होने पर काव्य व्यवहार वहाँ पर ना होने लग जाए, इसलिए हमने पद दिया सहितो, कि ऐसा नहीं होगा, दोनों की समानता होगी, दोनों साथ साथ रहेंगे, ठीक है। सहितो पद का तात्पर्य क्या है, सहितो सहित भावेन साहित्येन अवस्थितो, मतलब सहित भाव से, ठीक है, एक साथ मिलकर रहने के भाव से, साहित्य से अवस्थित शब्द अर्थ जो होते हैं, सहित भाव से और साहित्य के भाव से अवस्थित स्थितो जो शब्द और अर्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, काव्य होते हैं, काव्य कहलाते हैं। शब्द जो होता है वो वाचक होता है और अर्थ जो होता है वो वाच्य होता है, ठीक है, इसलिए दोनों का नित्य संबंध भी है। अब यहाँ पर वही यहाँ पर प्रश्न उठाया कि ननु च वाच्य वाचक संबंधस्य विद्यमानत्वात् एतयोर् न कथञ्चिदपि साहित्य विरह। आप जो कह रहे हैं कि सहितो सहित भावेन साहित्येन अवस्थितो, कि सहित भाव से साहित्य में अवस्थित ये होते हैं, ठीक है, सहित भाव से साहित्य के द्वारा ये कहे जाते हैं, शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य कहे जाते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि सहित भाव की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्योंकि शब्द जो है वो वाचक है, अर्थ जो है वो वाच्य है, इन दोनों में वाच्य वाचक संबंध तो पहले से ही है, और वाच्य वाचक संबंध के विद्यमानत्वाद विद्यमान होने के कारण, विद्यमान होने से एतयोर न कथञ्चिदपि, ये दोनों जो हैं शब्द और अर्थ दोनों जो हैं किसी भी प्रकार से साहित्य से विरह तो हो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों में वाच्यवाचक संबंध है और साहित्य में दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए साहित्य के साथ संबंध तो इनका पहले से ही है, फिर से आपने यहाँ पर साहित्य न अवस्थिता क्यों कहा, ठीक है। तो यहाँ पर कुंतक कहते हैं कि सत्यमेतत, आपने जो कहा वो ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं कहा आपने, लेकिन किंतु हम यहाँ पर सामान्य साहित्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर विशिष्ट साहित्य की बात कर रहे हैं। विशिष्टम एव इह साहित्यम अभिप्रेतम, हमें तो यहाँ पर एक विशिष्ट साहित्य अभिप्रेत है, ठीक है, सहभाव तो उनमें विद्यमान है ही, लेकिन सहितो पद से सामान्य साहित्य की अपेक्षा विशिष्ट प्रकार का साहित्य यहाँ पर अभीष्ट है। तो फिर प्रश्न किया कि कीदृशम, किस प्रकार का है वह विशिष्ट साहित्य, ठीक है, वह विशिष्ट साहित्य कैसा है, तो इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं वक्रता विचित्र गुणालंकार संपदाम और परस्पर स्पर्धाधिरोह, ठीक है, दो विशेषताएं बताई। पहला है वक्रता विचित्र गुणालंकार संपदाम, मतलब जो आगे हम जिस वक्रता के बारे में बताएंगे वह जो वक्रता है, ठीक है, उस वक्रता से विचित्र हो गया है, कमनीय हो गया है, शोभातिशय हो गया है, ठीक है, और वक्रता से शोभातिशय कमनीय गुण
और अलंकार संपदा, ठीक है, वक्रता से जो विचित्रता है जिसमें आ गई है, गुण और अलंकार विभूतियाँ जो हैं, ये दोनों जो हैं, गुण भी और अलंकार आदि जो हैं, ये इन विभूतियों का परस्पर स्पर्धादिरोह है। परस्पर स्पर्धा को प्राप्त हो जाना, इनमें आपस में परस्पर प्रतियोगिता होना, मतलब गुण अपनी तरफ से पूरी जान लगा दें काव्य में वक्रता लाने के लिए, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, उसमें अतिशयता लाने के लिए, और अलंकार अपनी तरफ से पूरी जान लगा दें, वो अपना चमत्कार बिखेर दें काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए। तो इस तरह की दोनों स्पर्धा जहाँ पर होगी और दोनों मिलकर जहाँ पर आएंगे, तो उस प्रकार का विशिष्ट साहित्य, ठीक है, उस प्रकार का मतलब गुण और अलंकार विभूतियों का आपस में स्पर्धा को प्राप्त हो जाना ही शब्दार्थ का विशिष्ट साहित्य यहाँ पर हमें अभिप्रेत है, ठीक है। और इसीलिए कहा गया है कि सम सर्वगुणौ संतौ सुहृदाविव संगतौ परस्परस्य शोभायै शब्दार्थौ भवतो यथा, ठीक है। मतलब शब्द और अर्थ जो हैं ये एक दूसरे की शोभा के लिए, शब्दार्थों शब्द और अर्थ जो हैं परस्परश्च मतलब एक दूसरे की शोभा के लिए, ठीक है, शोभा के लिए भवतो यथा, भवतो माने संगत होते हैं, सहित आते हैं, साथ साथ आते हैं, एक दूसरे की शोभा बढ़ाने के लिए साथ साथ यहाँ पर संगत होते हैं, ठीक है। कैसे, किस प्रकार, उसी प्रकार जैसे सम सर्वगुणौ संतौ, सम माने समान और सर्वगुणों माने सर्वगुण संपन्न, ठीक है। परस्पर जो दो मित्र होते हैं, परस्पर साथ में आए दो मित्र होते हैं, समान सर्वगुण संपन्न और परस्पर साथ में एक दूसरे की शोभा बढ़ाने के लिए या एक दूसरे की उन्नति के लिए दो मित्र सुहृदा सुहृदौ, दो मित्र जब एक साथ आते हैं, संगत उनकी होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए भी शब्द और अर्थ ये दोनों मिलकर जो हैं परस्पर एक दूसरे की शोभा बढ़ाने के लिए संगत होते हैं, सहित होते हैं, साथ में आते हैं, और वे विशिष्ट शब्द और अर्थ के साहित्य ही काव्य कहे जाते हैं, ठीक है। अब इस कथन का समर्थन करने के लिए एक उदाहरण भी यहाँ पर इन्होंने दिया, और उस उदाहरण को हम समझते हैं। कुंतक कहते हैं कि ततो अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम, ठीक है। शशि जो है वो चंद्रमा है, अरुण जो है वो सूर्य का सारथी है, ठीक है। सूर्य जिस रथ पर सवार होकर पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, उस रथ का सारथी है अरुण, ठीक है। और उस अरुण के परिस्पंद से जब अरुण सूर्य को लेकर आता है रथ में सवार करके, तो मंदीकृत वपुः, तो चंद्रमा का शरीर जो है वो मंदीकृत, मतलब चंद्रमा की जो कांति होती है वो रात को ही दिखाई देती है, ठीक है। दिन में चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखाई देता, दिन में सिर्फ चंद्रमा दिखाई देता है पीले पीले रंग का, ठीक है। तो जब अरुण सूर्य को लेकर आया, तो अरुण का परिस्पंद जब हुआ, तो वहाँ पर अरुण का संचार जब हुआ, तो उस सूर्योदय से जो चंद्रमा की आभा थी वो क्या हो गई, क्षीण हो गई, मंदीकृत हो गई। चंद्रमा की आभा कैसी हो गई, मंदीकृत हो गई, और वह कैसा लगने लगा, पांडुताम, पीला पीला सा लगने लगा। किस, कैसा पीला पीला सा लगने लगा, उसकी यहाँ पर एक उपमा इन्होंने की है, कह रहे दध्रे पांडुताम, दध्रे पांडुता को धारण किया, पीले आभा वाले वर्ण को धारण किया या पीले वर्ण को धारण किया, ठीक है। कैसा पीला वर्ण, कह रहे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम, काम परीक्षाम मतलब काम से मलिन कोई रमणी है, कोई कामिनी है, ठीक है। अगर कामिनी काम से मलिन नहीं है, तो यदि उसका नायक उसके पास है, तो वहाँ पर रक्त वर्ण की मतलब शर्म से या लज्जा से वह लाल रंग के वहाँ पर हो जाती है, लेकिन अगर यहाँ पर काम से वो परिपूर्ण है लेकिन नायक उसके पास नहीं है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वह मलिन जो रमणी है, काम से मलिन वह जो रमणी है, वह रमणी उसके जो गाल हैं, ठीक है, गंड माने उसके जो गाल हैं, वो पांडुता को धारण करते हैं, पीलेपन को धारण करते हैं। उसी प्रकार ये चंद्रमा भी है, ये चंद्रमा भी, ठीक है, क्या है, सूर्योदय से इसकी आभा जो है वो क्षीण हो गई है, और क्षीण होने के कारण चंद्रमा ने काम से मलिन रमणी के कपोल माने गालों की पांडुता की तरह पीले वर्ण को इसने धारण किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस श्लोक का ये उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया। अब कैसे ये फिट कैसे बैठ रहा है यहाँ पर, कह रहे हैं अत्र अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुषः शशिनः, ठीक है। यहाँ पर अरुण के संचार से मंदीकृत हो गया है, मंद आभा वाला, मंद आभा वाले शरीर वाला
शशिनय माने जो चंद्रमा है उसकी तुलना की गई है किससे, काम परीक्षीण वृत्ते है कामिनी कपोल फल कश्यच, काम से परीक्षीण, ठीक है, उसकी तुलना काम से परीक्षीण लगने वाले कामिनी के कपोल फलक से, जो गाल है कपोल फलक है, ठीक है, उस कपोल फलक की पांडुत्व साम्य समर्थनात्, उस कपोल फलक की पांडुता पीलापन उसके साथ साम्य होने के कारण, उसके साथ इसका साम्य होने के कारण क्या किया है, उस चंद्रमा के पांडुता का यहाँ पर सादृश्य दिखाने का प्रयास किया गया है, उस चंद्रमा की पांडुता की तुलना उस कामिनी के कपोल फलक की पांडुता के साथ की गई है, इस तरह से यहाँ पर उपमा का समर्थन इनको मिला है, साम्य समर्थनात्, साम्य माने उपमा, ये उपमा जो किया है तो उपमा का समर्थन यहाँ पर किया है। इससे क्या हुआ, जब उपमा अलंकार आया तो अर्थ में सुंदरता आई क्योंकि उपमा अर्थालंकार है, तो इससे क्या हुआ, अर्थालंकार परिपोष है, ठीक है, यह यहाँ पर अर्थालंकार मतलब उपमा का परिपोष है, उपमा के द्वारा जिसको जिसकी शोभा को बढ़ाया गया, ठीक है, और ये अत्यंत शोभा को भी बढ़ा रहा है यहाँ पर, शोभातिशयम आवहति, ठीक है, तो उपमा का परिपोष, उपमा का यहाँ पर प्रयोग, जो कामिनी के कपोल स्थलों की पांडुता और अरुण के संचार से चंद्रमा में आई पांडुता में साम्य दर्शा रहा है, ये उपमा का जो प्रयोग है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, शोभातिशयम आवहति, शोभातिशय को बढ़ा रहा है, ठीक है, इस श्लोक की शोभा को, इसके अर्थ को बढ़ा रहा है, अर्थ की शोभा को बढ़ा रहा है। और आगे हम जिसके बारे में बात करेंगे, जो वक्रता है, ठीक है, तो वक्षमाण माने आगे जिसके बारे में बताया जाएगा, मतलब किसी और उन्मेष में इसको बताया जाएगा, ये प्रथम उन्मेष है, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आगे कहा जाने वाला जो, मतलब इसमें आगे अलंकारों के बारे में बताएंगे, तो वही कह रहे हैं कि आगे बताया जाने वाला वर्ण विन्यास वक्रता लक्षण है, वर्ण विन्यास, ठीक है, वर्ण विन्यास मतलब वर्ण, वर्णों का विन्यास, वर्णों की सुंदरता का जहाँ पर वर्णन किया गया हो, ऐसा कौन सा अलंकार होता है, शब्दालंकार, ऐसा कौन सा शब्दालंकार है, अनुप्रास। तो कह रहे हैं कि आगे कहा जाने वाला वर्ण विन्यास वक्रता रूप जो शब्दालंकार है, ठीक है, जो अनुप्रास अलंकार है, वह भी यहाँ पर अपि अतितराम रमणीय है, वह भी यहाँ पर अत्यंत रमणीय लग रहा है, कैसे, ठीक है, अरुण परिस्पंद मंदी कृत वपु, ठीक है, एक तो यहाँ पर परिस्पंद मंदी, ये जो बार बार एक ही वर्ण के उच्चारण हो रहा है तो अनुप्रास हो गया, ठीक है, कामिनी गंड पांडुताम, ये भी ड ड का जो उच्चारण हो रहा है या ण ण का उच्चारण जो हो रहा है, ठीक है, तो ये भी जो है, या फिर नासिका वर्णों का उच्चारण हो रहा है, तो ये भी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा को बिखेर रहा है कि वर्णों की जो है यहाँ पर विन्यास हमें दिखाई दे रहा है, वर्णों की साम्यता दिखाई दे रही है, तो मतलब जहाँ पर समान वर्णों का उच्चारण होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है ना, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, उसी प्रकार यहाँ पर भी ये अनुप्रास अलंकार जो है ये भी रमणीय दिख रहा है। तो उपमा अलंकार हो गया अर्थालंकार, जो कि शोभा को बढ़ा ही रहा है, साथ में शब्द अलंकारों में से अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग कर दिया, वो भी अत्यंत रमणीय लग रहा है, ठीक है, और साथ साथ में हमने बात किस चीज़ की थी, गुणों की और अलंकारों की, ठीक है, तो जहाँ पर गुण और अलंकार साथ मिलकर जो उसकी शोभा को बढ़ाते हैं वो काव्य कहा जाता है, शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाते हैं तो वो काव्य कहा जाता है। तो यहाँ पर साथ साथ में वर्ण विन्यास विच्छित्त विहिता, इस वर्ण विन्यास मतलब इस शब्दालंकार की प्रयोग से उत्पन्न जो शोभा है, उस शोभा से भी उत्पन्न जो लावण्य है, ठीक है, वर्ण विन्यास विच्छित्त मतलब विच्छित्त विहिता, इस वर्णों के विन्यास से उत्पन्न शोभा और उस शोभा से भी उत्पन्न जो लावण्य है, वो लावण्य आदि गुण जो हैं, इन लावण्य आदि गुणों की संपदा, ठीक है, मतलब जो यहाँ पर वर्णों के विन्यास से उत्पन्न शोभा है, उस शोभा से भी उत्पन्न जो लावण्य का, लावण्य गुण का यहाँ पर हमें अनुभव हो रहा है, लावण्यता इसमें आ रही है, कामिनी के कपोल स्थलों का वर्णन यहाँ पर कर रहा है, बड़ा श्रृंगारिक वर्णन जो हो रहा है, तो वहाँ ये इसका, इसकी सुंदरता यहाँ पर है ही, इस लावण्य गुण का प्रयोग यहाँ पर है ही, इस लावण्य गुण का वैभव संपत्ति यहाँ पर है ही, और साथ साथ गुण के साथ साथ यहाँ पर अर्थालंकार और शब्दालंकारों का भी प्रयोग हो गया है, ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें शब्द अर्थ के अलंकार एवं गुणों का परस्पर इस प्रकार प्रयोग किया गया है यहाँ पर कि वे दोनों एक दूसरे की शोभा की सृष्टि कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की शोभा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अनुप्रास से गुणों की सृष्टि हो रही है, गुणों से अनुप्रास की हो रही है, अनुप्रास गुण
अर्थालंकार में मिलकर, उपमालंकार में मिलकर और भी शोभा बढ़ा रहे हैं। अनुप्रास और गुण दोनों मिलकर उपमालंकार के साथ यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं, तो और भी उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो शब्द और अर्थ के साहित्य का परस्पर स्पर्धा, ठीक है, एक दूसरे के प्रति परस्पर स्पर्धा और स्पर्धा से एक दूसरे का विकास करना, इस तरह से यहाँ पर पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इसको काव्य कहने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। इसी एक दूसरे की शोभा को स्पर्धा से बढ़ाने वाले, ठीक है, और एक दूसरे की शोभा को बढ़ाने के लिए परस्पर साथ में आने वाले, न कोई कम न कोई ज़्यादा, साथ मिलकर, ठीक है, शब्द और अर्थ का साथ मिलकर आना, गुण और अलंकारों की परस्पर स्पर्धा स्वरूप एक दूसरे की शोभा को बढ़ाने के लिए परस्पर स्पर्धा करना, यही क्या कहलाता है, असल में काव्य कहलाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, काव्य कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो लक्षण है शब्दार्थ और सहितो काव्यम भामह के द्वारा दिया गया, और हम भी जो इसका समर्थन कर रहे हैं कि शब्द और अर्थ में से न केवल शब्द और न केवल अर्थ काव्य को बनाते हैं, बल्कि शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, या दोनों मिलकर ही काव्य कहलाते हैं, ये काव्य का स्वरूप है। ठीक है, शोभा आयदक तत्व नहीं मानते ये लोग, ये काव्य का स्वरूप मानते हैं कुंतक, कि शब्द और अर्थ मिलकर ही काव्य हैं, और काव्य का मतलब ही शब्द और अर्थ का साथ साथ होना है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि इस प्रकार से इस श्लोक में जो वर्णन किया गया है उसके आधार पर हम इसको एक अच्छा विशिष्ट काव्य कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शब्द और अर्थ साहित्य का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, ये प्राकृत में है, लीलाई कुवल अम व शीशे समुवहंतेण शेषेण शेष पुरुषाणम पुरुष आरो समुवसियो। इसको यदि संस्कृत में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये इस प्रकार से बनता है, लीलया कुवलयम कुवलयमिव शीर्षे समुद्वहता शेषेण शेष पुरुषाणाम पुरुषकार समुपहसित। ठीक है, पहले इसके अर्थ को समझते हैं। कह रहे हैं कि लीलया कुवलयम कुवलयमिव शीर्षे समुद्वहता शेषेण, शेषेण जो पद है ये शेषनाग के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो शेषनाग ने क्या किया, अपनी लीला से, ठीक है, शेषनाग ने अनायास ही, ठीक है, मतलब बिना किसी परिश्रम के ऐसे ही कुवलयम माने पृथ्वी को, कुवलयमिव, कुवलय बोलते हैं नील कमल, नीला कमल उसको भी कुवलय कहते हैं, उस नील कमल के समान शीर्षे माने सिर पर समुद्वहता माने उठा लिया। ठीक है, मतलब भगवान शेष ने नील कमल के समान पृथ्वी मंडल को अनायास ही सिर पर धारण कर लिया, और समुद्वहता अनायास ही सिर पर धारण करते हुए उन्होंने एक काम और किया, क्या किया, समुपहसित है, मजाक उड़ाया, ठीक है, हंसी उड़ाई, अच्छा उपहास किया, किसका, शेष पुरुषाणाम पुरुषकार है कि इस धरती पर जितने भी अवशिष्ट शेष पुरुष थे, सभी प्राणी थे, वो प्राणियों को अपने पराक्रम पर बड़ा घमंड था, उन प्राणियों के पराक्रम का भगवान शेष ने अच्छा मजाक उड़ाया, उन्होंने अनायास ही नील कमल के समान इस नीली पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया, और इस तरह से उन्होंने संसार के समस्त जो अवशिष्ट जो पुरुष बच गए हैं उन प्राणियों के पराक्रम का अच्छा उपहास किया। ठीक है, अब ये यहाँ पर वर्णन है, इति छाया।